celebrating with Viking claps Afghanistan ke player ke saath. This has to be one of the most embarrassing shambolic moments of Indian football history. भाई जी भाई का अपहरण हो चुका है, वो देखो जी भाई को किडनैप कर लिया है। क्या लग रहा है माहौल देख के, कैसा लग रहा है धनराज भाई, मजा आ रहा है? माहौल देख के ऐसा लग रहा है कि आज गाली नहीं दे सकते। बिल्कुल बिल्कुल भाई, मजा आ रहा है। बहुत सारे भाई लोगों से हमारी मुलाकात हुई, आप देख सकते हो चुके हैं भाई सब यहाँ पर। दोस्तों मैं आ चुका हूँ यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट स्टैंड में, और अभी जो है सीट्स फिल हो रही हैं। आप जैसा देख सकते हैं अभी वो वाला स्टैंड खाली है, लेकिन बहुत ही जल्दी पूरा स्टेडियम भर जाएगा। प्लेयर्स आ चुके हैं, वार्म अप शुरू हो चुका है और थोड़ी देर में किक ऑफ भी हो जाएगा। माहौल ऑलरेडी सेट है, आप जैसा देख सकते हैं नीचे वहां पर ब्लू पिलग्रिम्स ऑलरेडी दे आर इन फुल वॉइस, जस्ट वेटिंग फॉर द किक ऑफ। इंडिया 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 अच्छी प्रेसिंग कर रहे हैं, बॉल विन कर रहे हैं मिडफील्ड में, अफगानिस्तान को बिल्कुल समय नहीं दे रहे बॉल पे, एंड वी आर बीइंग क्विक विद द डिसीजन। लेकिन अगर किस्मत में हो झोल तो कैसे पड़ेगा गोल, एक गोल का इंतजार है बस। भाई लेकिन मत के रहना पड़ेगा, अभी अफगानिस्तान ने भी ब्रेक पे अटैक किया, कॉर्नर मिला है उनको, कॉर्नर टू अफगानिस्तान, काफी अच्छा स्प्रेड किया बॉल को, क्रॉस डाला अंदर, बट ब्रिलियंटली डिफेंडेड बाय सुभाशीष बोस, आई थिंक इट वॉज, जिन्होंने क्लियर किया है बॉल को, तो कॉर्नर मिला है अफगानिस्तान को, लेट्स होप कि क्लियर करते हैं हम, ये काउंटर में गोल आ जाएगा अगर ऐसे तो क्या मजा आएगा भाई। माहौल देखो, what a save, 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 what a save
कॉर्नर, ओ ओ ओ यार फिर से कॉर्नर, थर्ड कॉर्नर इन अ रो यार। अफगानिस्तान आर बीइंग क्लेवर विद देयर सेट पीसेस यार, एंड दे नो कि वो डोमिनेंट है सेट पीसेस पे, तो उसी को पूरा बैन करेंगे। आप देखो बैक टू बैक की बात मिल गया, एक कॉर्नर से ऑलमोस्ट स्कोर कर दिया था, बट कॉर्नर नहीं लगा। फिजिकैलिटी भाई, फिजिकैलिटी से बच के, अरे जल्दी खेल दिया, कॉर्नर टेकन क्विकली। ओ 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 नहीं, आ से से भाई से, ब्रिलियंट भाई, ब्रिलियंट। तो एक ब्रेक आया प्ले में, अफगानिस्तान के प्लेयर को इंजरी हो गई, आई थिंक इट वाज अ मच नीडेड ब्रेक फॉर अस बिकॉज अफगानिस्तान ने थोड़ा सा मोमेंटम गेन कर लिया था, क्या लग रहा है? हाँ यार थोड़ा सा देखो, हाँ के बाद कॉर्नर्स पड़े थे और एक मोमेंट हमारे पास यहाँ बनाया था आपका, देखो अच्छा खेला है इंडिया ने, स्टार्ट 10 मिनट हुए हैं, दे हैव शोन अस कि दे कैन बी ब्राइट आइडियाज उनके पास, और एक बात ना रिस्क ले रहे हैं और एग्रेशन है भाई, ग्रामीण टैकल्स भी आ रहा है, फ्लोइंग है ऊपर से, मंदिर ट्रैक कर रहा है, तो अच्छा है मेरे तो, बट ये आप तो भी अवेयर हो अफगानिस्तान की ड्यूटी है। मेरा बस ये एक वो है पॉइंट कि ये इंटेंसिटी जिससे हम खेल रहे हैं, क्या ये हम 90 मिनट्स तक मेंटेन कर पाएंगे? बिकॉज सुनील छेत्री आप जैसा देख रहे हैं बहुत बढ़िया प्रेस कर रहे हैं, उन्होंने एक मिस्टेक भी फोर्स किया कीपर से, बस सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज बैन स्ट्रॉन्ग है बिकॉज चेंजेस हमने किए, तो देखते हैं भाई, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, गेम में रीस्टार्ट होने वाला है। ऑन कम ऑन मंदिर, मंदिर क्या हो रहा है भाई? भाई बहुत डर लगता है कभी कभी जब बॉल मिडफील्ड में होती है ना, कि ऐसे लूज कर देंगे तो क्या हो जाएगा। वी नीड टू गेट दैट गोल भाई, कुछ भी करके वो पहला गोल मारना जरूरी है बहुत ज्यादा, टाइम से पहले गोल चाहिए, हाफ टाइम से पहले गोल चाहिए। एक गोल और आ जाएगा तो थोड़ा सा कुशन भी आ जाएगा, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अफगानिस्तान ने अभी बॉक्स के बाहर से शॉट लिया, एंड व्हाट अ सेव बाय गुरप्रीत सिंह संधू, मतलब इट्स सेफ टू से कि जीएसएस ने हमको इस मैच में रखा है भाई, फर्स्ट हाफ में भी दो तीन बहुत अच्छे से और अभी भी ये सेव किया है भाई, दे हैव टेस्टेड अवर गोलकीपर मल्टीपल टाइम्स, एंड आई एम अफ्रेड टू से हमने पेनल्टी के अलावा आई डोंट सी कि ये को पोस्ट पे लगा था शुरू में, मैं क्लियरली रिमेम्बर नहीं कर पा रहा हूँ कि हमने उनके गोलकीपर को कितना टेस्ट किया है भाई, मोमेंटम पूरा अफगानिस्तान के साथ है, एक और उनको बहुत अच्छा चांस मिला। I am fearing the worst to be honest guys, Afghanistan are on a high right now. Bhai, Afghanistan are going for it. Ashley Westwood jo Afghanistan ke coach hai, he is acting like a ball boy, he is going for it. Apne players ko keh raha hai bhai get on with it, jaldi jaldi jo hai start karo, time waste mat karo, there are still 12 minutes plus added time left and Afghanistan are fencing their chances, it's not looking good here. Come on!
कम ऑन यार, एक चांस यार, एक गोल मार दो यार, कम ऑन यार, शूट शूट। ओ पेनल्टी टू अफगानिस्तान, पेनल्टी टू अफगानिस्तान। भाई 87 मिनट हो चुके हैं, अफगानिस्तान ने गॉट अ पेनल्टी, वी कुड बी गोइंग आउट ऑफ द वर्ल्ड कप क्वालिफायर भाई। This is embarrassing. Two matches in a row. Hoping for a miracle, bhai. Hoping for a miracle now. 6 minutes added time, boys. Free kick mili hai. Hey, this is disappointing, yaar. Abhi bhi match khatam nahi hua hai, but people are leaving. लोग जा रहे हैं छोड़ के, वहाँ पे देखो ब्लू टिलाइट आएगा, जो बैनर है उसको हटा रहे हैं, ब्लू पिलग्रिम्स ने अपने बैनर हटा लिए हैं। अब आई डोंट नो उनको बोला गया ये करने के लिए या क्या है, बट पीपल आर लीविंग भाई, दे हैव हैड इनफ। हमारे साथ कुछ फैंस हैं, कैसा लगा आपको आज, क्या क्या थॉट्स है आपके, कैसा लगा? पहला के बाद लगा था कि गेम डोमिनेट करेगी, हमारे साथ बोल भी रही है, लेकिन फाइनल बॉक्स में जो दिशा में कि खराब आ उसके लिए मतलब सारा मैच निकल गया हाथ से। डू यू स्टिल बिलीव इन द कोच? नो नो नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। पोजीशन मेकिंग गेम प्ले इज नॉट वर्किंग फॉर अस, लाइक आपको याद है एक्सेल सब लोग मिड में इतने अच्छे बॉल के साथ, तब भी कुछ नहीं हो रहा क्योंकि स्ट्राइकर्स खराब है। आई डोंट नो व्हाट टू से, कैन नॉट से आई डोंट एग्री विद देम, आई हैव टू एग्री, बिल्कुल सही बात बोली उन्होंने, और ये सबका इमोशन है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोग जा चुके हैं भाई, फुल टाइम विसल, एम्बैरेसिंग, इंडिया हैज लॉस्ट टू अफगानिस्तान 2-1 एट होम, टू कंसेक्यूटिव मैचेस इन अ रो वी हैव नॉट बीटन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की टीम एक दिन मच्छरों की वजह से प्रैक्टिस नहीं कर पाई, उनको 1.5 घंटे दूर एक स्टेडियम में भेजा गया जहाँ पे 20 मिनट के बाद लाइटें बंद कर दी गई बोल के कि पावर कट है। क्या क्या बोलूँ मैं, बहुत सी चीज़ें बोलना चाहता हूँ, बोल नहीं सकता। पूरा सेबोटाज करने की कोशिश की थी अफगानिस्तान को, तब भी हार गए भाई, जीता हुआ मैच हार गए, आराम से जीता हुआ। डिसअपॉइंटिंग भाई, मेरे पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, खाली हो गया स्टेडियम, देखो खाली हो गया। और ये 6 मिनट एडिट टाइम के जब अनाउंस हुए थे तभी खाली हो गया था, सारे बैनर्स हट चुके हैं भाई। भाई एक इंडियन फुटबॉल फैन कितना पेशेंस रख सकता है यार, मतलब ऐसा भी नहीं है कि अब हम सपोर्ट नहीं कर रहे, मेरी बात मत सुनो भाई, मैं तो यूरोपियन फुटबॉल पे कंटेंट बनाता हूँ, लेकिन भाई जो ये लोग देखने आ रहे हैं, ये पागल हैं, ये जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं यार, ये सारे पागल लोग हैं, ये इतने सारे जो बेचारे आए ब्लू जर्सीज पहन के। वीक डे है भाई आज, कल तो छुट्टी भी नहीं है, मैच देखने आए थे 8,932 लोग, एंड दिस इज वॉट वी गेट इन रिटर्न, एब्सोल्युटली शेमफुल, सिंबॉलिक। और वो अगर टीम आई नहीं आज हमको एक्नॉलेज करने तो बहुत बुरी बात है, दे शुड कम हियर, दे शुड एक्नॉलेज अस, दे शुड कम हियर, वो टीम को आना चाहिए था हमारे पास। अफगानिस्तान प्लेयर्स आ रहे हैं हमको एक्नॉलेज करने, वेल प्लेड अफगानिस्तान, यू डिजर्व टू विन दिस गेम, वेल प्लेड। भाई अफगानिस्तान को चीयर कर रहे हैं। देखो हम तो अपनी बात करते हैं, हम तो काफी कंफर्टेबली आ गए, लेकिन यार ये अपने भाई लोग कूच बिहार से आए हैं,
और इंडियन टीम को सपोर्ट करने आए थे, लेकिन डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट रहा। अभी वापस जा रहे हैं ये लोग, मैंने इनको रोका, इनकी ट्रेन है, लेकिन मैंने कहा यार प्लीज़ बात कर लीजिए हमसे। भाई आपको कैसा लगा, मतलब आज मैच दे, ऑब्वियसली बहुत बेकार सवाल है ये, बट मतलब आपके थॉट्स क्या है मैच के बारे में? मैच के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, टीम अच्छा ही खेला, बट क्या नसीब में नहीं था, बहुत ट्राई किया बट नहीं आया। आपको क्या लगता है कि कोच को मतलब अभी रुकना चाहिए, ये क्या क्या आपको लगता है कि आपको टाइम देना चाहिए और कोच को, या हो गया? क्योंकि ये हमारे लिए बेस्ट चांस था मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि इससे अच्छा ग्रुप नहीं मिल सकता था, और गिवन कि आप कुवैत को हरा के आ चुके थे, तो ऑल यू नीड टू डू, आप ये दो मैच जीतते, कुवैत से ड्रॉ भी खेलते तो चल जाता। तो क्या आपका व्यू पॉइंट? मतलब बराबर टीम को हमने हराया था, ये तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन आज ऐसा कर दिया इंडियन टीम, हमने नहीं सोचा, हमने सोचा था जीतेंगे, जीत के जाएंगे आज, बिल्कुल, लेकिन आज ऐसा कर दिया, थोड़ा चेंज करना पड़ गया। वो सबसे टर्निंग पॉइंट हुआ, वो सुनील छेत्री को उठा के सबसे मेन टर्निंग पॉइंट हुआ, वो सीनियर प्लेयर है, उसको जब बॉल फेंकता है, दो डिफेंडर उसको पकड़ता है, वही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हुआ हमारा इंडिया का। आपको लग रहा है कि कोई होप है अब आगे, किस तरीके से चेंजेस होना चाहिए? अभी चेंजेस होना चाहिए, आपको कोच जो है, कोच को और थोड़ा मोटिवेशन करना पड़ेगा, प्लेयर लोगों को समझना पड़ेगा किस किस जगह पे वो मिस्टेक हो रहा है, यही होगा, हम आशा करता है होगा, हमारी इंडिया टीम जीतेगा, नेक्स्ट मैच जो होगा उसके लिए प्रिपरेशन ले, इसलिए बिल्कुल। कोच को टाइम देना चाहिए, और कोच को तो टाइम देना ही चाहिए, अच्छा तो करना पड़ेगा, और सामने देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट मैच में। चलिए ठीक है, तो जैसा आप कह रहे हैं कि अभी भी होपफुल है हमारे भाई लोग, हम भी होपफुल हैं, बट डिसअपॉइंटेड बहुत ज़्यादा है, एंड लेट्स होप कि अगले मैच में इंडिया अच्छा परफॉर्म करे और थोड़े रिजल्ट्स हमारी साइड तो चले जाएँ बाकी मैचेस में, तो हु नोस कि हम फिर से एक हमारा चांस बन जाए नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई करने का। तो थैंक यू सो मच भाई लोग, एंड जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।